नमस्ते दोस्तों, हरणी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं नया रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत पसंद आएगा आपको, और ये बिल्कुल झटपट बन जाता है। आप इसको लंच बॉक्स में या आप नाश्ते में बच्चे को दे सकते हैं, बड़े को दे सकते हैं, या कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो तभी इसको बना सकते हैं। और ये जो है ना बहुत ही हेल्दी है और आपको बहुत पसंद आएगा और आपके फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बोल ले लिया है और उसमें आधा कप सूजी डाल देंगे, जो रवा है ना, सूजी रवा बोलते हैं जिसका हलवा बनाते हैं, वही लिया है मैंने। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो क्या करेंगे आगे मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर 2 चम्मच ले लेंगे दही, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का दही है, और इसमें डाल देंगे पानी। अगर आप जैसे यहाँ पे दही नहीं है, आपके पास छाछ है तो छाछ यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप पानी कम कर दीजिए। तो देखिए यह इसको मैंने पानी मिला करके इसको मिला लूंगी, और अच्छे से इसको मिला लेंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से मिल जाए। और ये इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डालिएगा, और क्योंकि ये सूजी है और सूजी डालने के बाद जब छोड़ोगे ना थोड़ा देर के लिए, तब ये सोख लेगा, क्योंकि सूजी है, बिना फूले इसका रेसिपी अच्छा बनेगा नहीं। अब इसको ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए, या तो आप जितना देर रखेंगे ना, ज़्यादा देर उतना अच्छा रेसिपी बनेगा। तो मैंने आधा घंटा के लिए छोड़ा है, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, उसका वीडियो शूट करना भूल गई थी। और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बीट रूट का ग्रेट किया हुआ, 2 चम्मच डाल देंगे, और उसको डाल करके मिला लेंगे। क्योंकि बीट रूट आप डाल रहे हो ना तो इससे कलरफुल बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे आप बीट रूट नहीं डाल रहे हो तो आप पालक का भी बना सकते हो या गाजर का भी बना सकते हो। और ये डाल करके, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर सूजी आपके पास नहीं है तो क्या करोगे, तो आप चावल का आटा भी लोगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है, मिला लिया है। अब यहाँ पे लेंगे इनो, और इनो डालेंगे 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास इनो नहीं है तो खाने वाला सोडा लीजिए, यानी बेकिंग सोडा, और उसको 1/4 टीस्पून के बराबर मिला लीजिए, और उसको मिला करके और उसका रेसिपी बना सकते हैं। तो या तो इनो लीजिए, यानी इनो लेंगे तो आधा पैकेट लेंगे, या तो 1/2 टीस्पून लीजिए। तो इसको मिला लेंगे डाल करके। तो देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है ना, और हेल्दी के साथ साथ ये टेस्टी भी लगेगा और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें और बहुत सारे वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिला लिया है। अब यहाँ पे लिया है एक पैन, और उसमें थोड़ा सा तेल या घी कुछ भी मिला लीजिए, यानी लगा लीजिए, और उसमें डाल देंगे। अब देखिए छोटे छोटे इस तरह से डाल देंगे, और उस फैला करके इसको पकने देंगे। तो मैंने एक डाला, एक और मैं बना देती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से रख देंगे, बहुत ही अच्छा बनता है, अब बहुत ही टेस्टी लगता है, यकीन मानिए बहुत ही आपको पसंद आएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने मटर लिया है, जिसको कच्चा मटर है, और या तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं, और उसको डाल देंगे इस तरह से, देखने में भी खूबसूरत लगेगा और ये फायदा भी करेगा। तो आप या तो इसके मटर डालिए, चना हरा डालिए, या तो प्याज डाल सकते हैं, चीज डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, गाजर ग्रेट करके डाल सकते हैं इसके ऊपर से। तो अब इसको डाल दिया है, अब ढक देंगे, और ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2-3 मिनट के बाद इसको मैं हटाई हूँ, लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, और इसके बाद इसको पलट लेंगे। तो बहुत ही अच्छा बना है, आप इस तरह से बनाओगे ना तो लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, बच्चे को नाश्ते में दे सकते हो, हेल्दी के साथ साथ देखने में भी अच्छा लग रहा है, और बच्चे तो लूट लूट के खाएंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत है, लग रहा है ना बहुत ही सुंदर। तो इस तरह से नाश्ता बनाओगे ना, या कोई गेस्ट आए हैं, या तो कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी है, या गेट टुगेदर, इस तरह से बना के रखोगे ना तो बहुत लोग पसंद करेंगे, आप बहुत ही तारीफ करेंगे आपके, तो और रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो आप जरूर इसको ये बनाइए। आप देखिए पलट करके मैंने ढक कर दिया है, और ढक करके भी 3 मिनट तक इसको, या 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। ज़्यादा उल्टा करके नहीं पकाना है, नहीं तो डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा देखना चाहिए अच्छा कलर। और इसको देखिए मैंने 1.5 मिनट ही रखा है, और उसको पलट करके इसको निकाल लिया है। अब दूसरा मैंने डाला है, उसमें तेल नहीं डाला है, पहले से ही जो डाला हुआ था ना उसी को मैंने उसके ऊपर रख देंगे। अगर आप जैसे लोहा के कढ़ाई में बना रहे हो या तवा पे बना रहे हो तो थोड़ा सा डाल सकते हैं तेल या बटर, घी कुछ भी। अब देखिए 2 मैंने और डाल दिया, ऊपर से घी थोड़ा सा डाल दिया है, घी डालिए, तेल डालिए, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ। अब देखिए इसको डाल करके, अब इसको ढक करके सेम तरीके से इसको पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मटर मैंने डाला है, आप मटर डाल दीजिए, उसके ऊपर थोड़ी सी रेड चिली पाउडर छिड़क देंगे ना तो बहुत ही सुंदर कलर आ जाएगा। तो आप इसको ऊपर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर छिड़क दीजिए, और या तो ग्रेट करके ये गाजर डाल दीजिए, चीज़ डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बच्चे भी पसंद करेंगे। तो ढक करके मैंने इसको 2-3 मिनट तक इसको ढका है। अब देखिए अच्छे से पक चुका है नीचे से, अब इसको पलट लेंगे। तो मैं इसको क्या करती हूँ, पलट के निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से, क्योंकि ज्वाइंट हो चुका है ना, तो इसको कट कर लेंगे, और कट करके इसको पलट लेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ,
वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा। तो इस तरह से आप इसको बनाइए, बहुत आपको पसंद आएगा। तो देखिए, इसको मैंने पलट लिया है और इसको पलट करके फिर से 1 से 2 मिनट तक इसको ढक देंगे, और ढक करके इसको पकाएंगे। ज़्यादा क्यों नहीं मैं पलट रही हूँ, क्योंकि पहले से भी थोड़ा सा पक चुका है और कलर हो थोड़ा डार्क हो जाए, तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरह से बना सकते हो, और लंच बॉक्स में भी बच्चे को दे सकते हो, बड़े को दे सकते हो। तो देखिए, ये भी हो चुका है, अब इसको भी निकाल लेंगे। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं इसको मैंने निकाल लिया है, अब दिखाती हूँ नज़दीक से कि इसको कैसा लुक लगता है। देखिए, मटर मैंने डाल दिया है, और मैं दिखाती हूँ इसके ऊपर रेड चिली पाउडर छिड़क करके, कि इस डालने के बाद, छिड़कने के बाद कितना खूबसूरत लगता है। देखिए, यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर छिड़क दिया है, देखिए इस तरह से छिड़क दिया, और उसके बाद इसको ढक करके इसको पका लेंगे। जैसे सेम तरीके से मैंने पकाया ना पहले, वैसे ही ढक करके इसको पका लेंगे, और उसके बाद पलट लेंगे, और उसके बाद इसको और उसके बाद निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पलट पलट के मैंने पका लिया है, तो देख सकते हैं अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, आप चीज़ भी डाल सकते हैं। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और सारा को दिखाती हूँ कैसा लगता है देखने में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा नाश्ता। ये बच्चे को देंगे ना लंच बॉक्स में, तो बच्चे खुश होकर के लेके जाएंगे, या तो कोई गेट टुगेदर है, किटी पार्टी है, या कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, तो इस तरह से बना करके देंगे ना, तो सभी लोग बहुत तारीफ करेंगे आपके, और आपके रेसिपी बहुत पसंद करेंगे। और इस तरह से आप जरूर बनाइए, घर में भी आप बना सकते हो, जैसे शाम के नाश्ते के लिए बना सकते हो, जैसे चाय के साथ, तो बहुत खुश सभी लोग होंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से मैंने बनाया है सूजी के अप्पम टाइप से। तो आपको ये रेसिपी कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। हैप्पी कुकिंग।